आज इस वीडियो में हम किसी पार्टनर की डेथ होने पर उसके गुडविल के शेयर की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो देखो होता क्या है, यहाँ पर जैसे रिटायरमेंट में हमने सीखा था कि गुडविल को हम थ्रू कैपिटल अकाउंट या थ्रू गुडविल अकाउंट एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक उसी तरह डेथ केस में भी हम डिसीज पार्टनर के शेयर को थ्रू कैपिटल अकाउंट या थ्रू गुडविल अकाउंट एडजस्ट कर सकते हैं। अगर थ्रू कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करते हैं तो हमें हमेशा गेनर पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसर पार्टनर अकाउंट, और इसको हम गेनिंग रेशियो में करते हैं। तो ये तो हुआ थ्रू कैपिटल अकाउंट, ओके। दूसरा ये है कि हम थ्रू गुडविल अकाउंट करें। इस केस में हम क्या करते हैं कि गुडविल की जो फुल वैल्यू है उससे एक बार गुडविल रेज कर देते हैं और एक बार गुडविल राइट ऑफ कर देते हैं। तो उस केस में हम क्या एंट्री करते हैं कि गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, अब रिटायरमेंट से पहले जितने भी पार्टनर थे सब में एंट्री होगी, ओके, फुल वैल्यू से, और वो भी ओल्ड रेशो में। तो इसे बोलते हैं गुडविल रेज करना। तो हम पहले गुडविल रेज करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, उसके बाद इसी गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं, लेकिन रिमेनिंग पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। और ये एंट्री हमेशा न्यू रेशो में होती है, ओके। तो यहां जैसे मान लेते हैं भाई के ए बी पार्टनर है एबीसी, और यहां चलो आ जाता है, तो ये एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब राइट ऑफ करेंगे इसको गुडविल राइट ऑफ, तो यहां पर ये एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है। तो ये राइट ऑफ हो जाएगी, और इन दोनों एंट्री का इफेक्ट वो यही आने वाला है, क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू भी आपकी या न्यू माइनस ओल्ड जैसे भी आप करो होनी क्या है आपकी गेनिंग रेशियो ही आनी है। क्योंकि यहां न्यू माइनस ओल्ड क्यों करते हैं, क्योंकि न्यू ज्यादा होती है रिमेनिंग पार्टनर की और ओल्ड कम होती है, क्योंकि जो डिसीज पार्टनर के जाने की वजह से अब उनका शेयर बढ़ गया है, तो ज्यादा में से ही कम लेस करते हैं, इसलिए न्यू माइनस ओल्ड हो जाती है, ठीक है। तो इनका डिफरेंस वो यही आता है। तो आप चाहो इस तरह से कर लो या इस तरह से कर लो, आंसर सेम आना है। बट क्वेश्चन में जैसे कहेगा कि आप तो भाई थ्रू कैपिटल अकाउंट करो, तो हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू कर देंगे, इस वाली एंट्री कर देंगे। बोलेगा नहीं नहीं आप तो गुडविल अकाउंट के थ्रू करो, तो हम इस एंट्री करेंगे, थोड़ा काम बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये गुडविल की ट्रीटमेंट होती है। अब यहां एक बात ध्यान रखने वाली है, इन दोनों ही केसेस में अगर ओल्ड बुक्स में ऑलरेडी आपकी गुडविल अपीयर है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर है अगर आपकी, तो उसको हमें क्या करना है, राइट ऑफ ही करना है, चाहे वो ये केस हो ये केस हो। लेकिन अगर बोलेगा ना क्वेश्चन में कि ओल्ड बुक्स में पहले से गुडविल थी इतने रुपए, तो आप उसको राइट ऑफ करोगे, और राइट ऑफ करने के लिए आपकी एंट्री क्या होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, क्योंकि ओल्ड बुक्स में जो गुडविल है जब उसको राइट ऑफ करना है तो वो राइट ऑफ ओल्ड रेशियो में होगा। लेकिन जब आप रेज और राइट ऑफ करते हो तो ये जो गुडविल राइट ऑफ होगी ये हमेशा न्यू रेशियो में होगी, ये ध्यान रखना, इन दोनों में ये फर्क है भाई। दूसरी चीज ये भी है कि यहां जो बचे हुए पार्टनर है उनमें राइट ऑफ होती है, लेकिन यहां सब में राइट ऑफ होती है। सब में क्यों हो रही, क्योंकि बटी में तो सब में ही थी, उसको पूरी तरह साफ करना है हमको, उसके लिए हम सारे पार्टनर से फिर वापस लेते हैं, फिर दोबारा से एंट्री करते हैं, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट जो है बिल्कुल रिटायरमेंट की तरह से ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, कहता है पी आर और एस पार्टनर थे, इनका रेशो था 4:3:1, और कहता है कि पार्टनरशिप डीड में इन्होंने कंडीशन डाली हुई है कि किसी पार्टनर की डेथ होने पर उस पार्टनर का गुडविल का शेयर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कि पिछले 4 साल में जो उसको प्रॉफिट मिला होगा उसका आधा उसी पार्टनर का शेयर होगा जिस पार्टनर की डेथ हुई होगी। कहता है आर की डेथ हो जाती है January 2018 में, द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर पर क्या क्या थे, 2014 का 1,20,000 था, 2015 का 80,000 था, 2016 का 40,000 था, 2017 का 80,000 था। कहता है पहले तो ये बताओ कि इसे गुडविल कितनी होगी, फिर एंट्री करो।
चलो जी, तो सबसे पहले हम आर का शेयर निकाल लेते हैं। तो आर शेयर ऑफ गुडविल कैसे कह रहे हैं, 2014, 2015, 2016, 2017 में इसने आपको प्रॉफिट के अमाउंट दिए हैं 1,20,000, 80,000, 40,000 और 80,000। 1,20,000, 80,000, 40,000 और 80,000। अब देखो इसको हम टोटल करते हैं, ये आ जाता है हमारा 3,60,000। अब बात यह है कि 3,60,000 पिछले 4 सालों में प्रॉफिट हुआ है, इसमें आर को भी शेयर मिला होगा कितना, 3/8। तो यहां पर 3,60,000 में जो उसको प्रॉफिट मिला 3/8, उसका आधा गुडविल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया 60,000। तो 60,000 जो है आपका वो आर का शेयर आ गया गुडविल का। अब इसको कौन, पी और आर आपस में इसको लौटाएंगे, कैसे लौटाएंगे, 4:2, क्योंकि इनकी रेशियो क्या थी, 4:3:2। तो ये तो जा रहा है आपस की रेशियो क्लियर है कि मतलब 2:1, तो इसको 2:1 में बांट लेंगे। तो एंट्री क्या होगी हमारी, गेनर टू सैक्रिफाइसर। अब बात यह यहां पर एंट्री होगी आपकी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहां पर 60,000 रुपए हमने इसको देने हैं। 60,000 कैसे देंगे भाई हम, 2:1 की रेशो में, मतलब कि 40,000 पी से लेंगे और एस से लेंगे 20,000। ठीक है, तो पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट 40,000, 20,000, 60,000। ये इसकी इस तरह से एंट्री हो जाएगी, इसका शेयर ये था, एंट्री ये हुई। अगला क्वेश्चन है, कहता है एक्स वाई जेड पार्टनर थे, इनका रेशियो था 3:1 और कहता है कि ये अपनी बुक्स को 31 मार्च को ही हर साल क्लोज करते हैं। इधर वाई की डेथ हो जाती है 30 जून 2018 को, मतलब कि 3 महीने बाद। और वाई की डेथ के दिन गुडविल की जब वैल्यूएशन की जाती है तो 60,000 पूरी फर्म की गुडविल निकल के आती है। और वाई का जो प्रॉफिट का शेयर है वो भी डेथ की डेट तक का आपका कैलकुलेट करना है हमको। अगर हम ये मानकर चलें कि पिछले साल का ही जो प्रॉफिट था वही सेम प्रॉफिट इस साल होना है, तो उसमें आप उसको 3 महीने का 30 जून तक का प्रॉफिट दो, ये मान करके कि पिछले साल हुआ था 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट। अब बात यह है हमें सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि पार्टनर थे हमारे एक्स वाई और जेड, ओल्ड रेशियो है हमारी 3:1, मतलब पहले 6 यूनिट प्रॉफिट होता था, अब वाई की हो गई डेथ, इसलिए आपकी पुरानी रेशियो ही यहां पर न्यू रेशियो हो जाएगी रिमेनिंग पार्टनर्स की, मतलब कि 3:1। तो अब देख रहे हैं यहां कितने हिस्से हो रहे हैं, 4, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 2 से। तो हम देख रहे हैं कि इनका जो गेनिंग रेशियो है वो 3:1 है, 4 यूनिट का लॉस हो रहा है वाई को, जिसको ये गेन कर रहे हैं 3:1 के रेशियो में। अब पूरी फर्म की गुडविल कितनी थी, तो पूरी फर्म की गुडविल थी 60,000, उसमें वाई का शेयर, तो वाई इज शेयर ऑफ गुडविल 60,000 में कितना आपका 1/3, 2/6 बोलो या 1/3 एक ही बात है, तो उसका हिस्सा आ गया 20,000। तो 20,000 से हमको उसकी एंट्री करनी है, कर लेते हैं। तो यहां पर एंट्री क्या होगी आपकी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब देखो कितने कितने यूनिट, 3 और 1, और इसको कितने का लॉस हो रहा है, 4। अब एक काम करते हैं, पूरी कंपनी को कितनी थी, 60,000, तो 60,000 को पूरी कंपनी के शेयर 12, तो 5,000 का 1 यूनिट आ गया, 5,000 × 3, 15,000, 5,000 और 20,000। ठीक है, तो हमने 1 यूनिट गुडविल का निकालकर और जितने गेन और सैक्रिफाइस हुए थे यूनिट उनसे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारी ये तो हो गई गुडविल की एंट्री। आगे बोलता है, कह रहा है प्रॉफिट भी कंपनी को हुआ है और वो प्रॉफिट था आपका 1,50,000 का। तो यहां पर देखा जाए तो वाई का शेयर जो है प्रॉफिट का वो कितना होना चाहिए उसका,
भाई 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ है पूरे साल में। अब हम क्या करें, इस 1.5 लाख में उसको 3 महीने का प्रॉफिट बनता है, क्योंकि 3 महीने तो काम किया था उसने बस, उसमें भी उसका 1/3 शेयर बनता है। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 1 यूनिट आया हमारा 12,500 का। तो अब इसकी एंट्री कर देते हैं। अब देखो यहां पर इसकी एंट्री करने के लिए हमें एंट्री करनी है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। एक एंट्री है, ये कब होगी, 30 जून को हो रही है भाई ये एंट्री। तो उसके बाद जब ये साल कंप्लीट होगा, साल कब कंप्लीट होगा, 31 मार्च जो भी ये ईयर एंड होगा, उस दिन इस प्रॉफिट को आपने क्या करना है, चार्ज करना है। तो कहां से करोगे, एप्रोप्रिएशन से। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर ये आपकी एंट्री हो गई 12,500 से। ओके, तो यहां प्रॉफिट की ये एंट्री होगी और गुडविल की ये एंट्री होगी। अच्छा, प्रॉफिट की एक और एंट्री होती है गेन टू सैक्रिफाइसर, लेकिन वो कब होती है, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में किया था कि वो तभी होगी अगर रिमेनिंग पार्टनर अपनी फ्यूचर की रेशियो चेंज कर लेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कहता है ए बी सी पार्टनर थे, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:1 था और फर्म अपनी बुक क्लोज करती है मार्च को और बी की डेथ हो जाती है 30 जून को और पूरी फर्म की गुडविल जो है वो 6 लाख रुपए है और बी का प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करना है पिछले साल के बेस पर जो कि है पिछले साल का प्रॉफिट 15 लाख। अच्छा, ये तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है 62 की तरह से ही है। तो इसमें एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना, 1,50,000 और 2 लाख। ठीक है, क्योंकि इसका शेयर सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह से 1/3 है, तो वो आपका आएगा 2 लाख, जिसको गेनिंग रेशियो जो थी सेम आएगी आपकी 3:1, उसे बांट दोगे। अब इसका प्रॉफिट का शेयर, अब प्रॉफिट के शेयर के लिए इसने कोई न्यू रेशियो तो दी नहीं है, इसलिए सेम एंट्री होनी है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना, 1,25,000। ओके, और इसको हम ईयर एंड में ट्रांसफर करेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 1,25,000। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ 0 पढ़ाई गई है, बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है एक्स वाई जेड पार्टनर थे, इनका रेशियो था 4:3:1 और ये कंपनी भी अपनी बुक जो क्लोज करती है मार्च में करती है और 1 फरवरी 2019 को वाई की डेथ हो जाती है और ये उन्होंने डिसाइड किया कि अब से फ्यूचर में वो वाई की डेथ के बाद एक्स और जेड वो इक्वल बांटेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में उन्होंने फ्यूचर की रेशियो दे दी है। अब पार्टनरशिप डीड में कहता है क्या क्या इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। पहली चीज के कोई भी जो पार्टनर जिसकी डेथ होगी उसका शेयर कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, पिछले 4 साल में जो प्रॉफिट हुआ होगा और उस प्रॉफिट में से जो उसको मिला होगा, मतलब उसके अकाउंट में जो प्रॉफिट क्रेडिट हुआ होगा उसका आधा। और बी पॉइंट बोलता है वो कि आपको वाई का प्रॉफिट का शेयर भी देना है और ये कैसे कैलकुलेट होगा, पिछले 2 साल का जो प्रॉफिट होगा उसका एवरेज निकालो और उसमें उसका शेयर आप दे दो। चलो क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो पहले एक्स वाई जेड पार्टनर थे जिनका ओल्ड रेशियो था 4:3:1, मतलब पहले 8 हिस्से हो रहे थे और आज वाई की डेथ के बाद क्वेश्चन में उन्होंने बताया है आपको कि एक्स और जेड फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे, मतलब कि 2 हिस्से होंगे। एक काम करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देते हैं। हम देख रहे हैं यहां पर Y की डेथ होने से जो 3 यूनिट का प्रॉफिट सीधा सीधा Z को हो रहा है, यहां पर 3 यूनिट गेन कर रहा है Z।
तो ये तो हुई रेशो। अब वाई का गुडविल का शेयर निकाल लेते हैं, जो कि प्रॉफिट बेस था, मतलब पिछले चार साल में जो प्रॉफिट हुआ था कंपनी में उसको, उसमें से जो प्रॉफिट मिला था उसका आधा। तो हम ये कैलकुलेट करते हैं, तो यहां 14, 15, 16, 16, 17 और 17, 18 में आपको क्या क्या प्रॉफिट हुआ था जी? प्रॉफिट हुआ था आपको 1,50,000, 1,50,000 और 1,00,000। इसका मतलब आपको 4,00,000 रुपए का प्रॉफिट पूरी कंपनी को हुआ, उसमें से किसको, वाई को कितना मिला होगा? 3/8, 3/8। उसमें भी तो ये तो उसको प्रॉफिट क्रेडिट हुआ होगा पूरे जो है आपके चार साल में, उसका आधा। तो यहां पर आ गया 75,000। तो 75,000 उसका गुडविल का शेयर बना। अब उसकी हम एंट्री करते हैं, तो यहां पर एंट्री क्या होनी है आपकी? गेनर टू सेक्रीफाइसर। तो एंट्री होगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 75,000। पूरा अमाउंट हम जेड से ही ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि गेन तो यही कर रहा है अकेला, ये तो गेन कर ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये तो होगी गुडविल की एंट्री। अब हम करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट के लिए बोल रहा था वो बी पॉइंट में कि पिछले दो साल का जो प्रॉफिट होगा, दो साल का प्रॉफिट ये 1.5 लाख और 1 लाख, तो वाई इज शेयर ऑफ प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं। तो 2016-17, 2017-18 में जो हमारा प्रॉफिट था वो था 50,000 और 1 लाख, मतलब कि कुल 1.5 लाख। अब इसका हम एवरेज निकाल लेते हैं, डिवाइड बाई 2 एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया 75,000। अभी 75,000 में हमें उसका 10 महीने का प्रॉफिट लेना है। 10 महीने का क्यों? क्योंकि उसकी जो डेथ है वो हुई है 1 फरवरी को, तो 31 जनवरी तक ही वो इन्वॉल्व था बिजनेस की एक्टिविटीज में, उसके बाद नहीं था, ठीक है। तो 10 महीने में भी उसको कितना शेयर? 3/8 जो होगा 23,437.50 या इसको 38 कर देंगे। तो उसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे? यहां गेनर टू सैक्रिफाइसर, इसलिए एंट्री होगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट कितना? 23,438 रुपए, ठीक है, 23,438। तो इस तरह से ये एंट्री होगी। अब यहां गेनर टू सैक्रिफाइसर क्यों हुई? इस बार प्रॉफिट नो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल क्यों नहीं हुई? क्योंकि इस बार इन्होंने अपना प्रॉफिट सेल रेशियो फ्यूचर का चेंज कर लिया है रिमेनिंग पार्टनर से, इसलिए अब गेनर टू सैक्रिफाइसर ही होगी, अब प्रॉफिट नो सस्पेंस टू वाइज कैपिटल नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहां दोनों ही केस में गेनर टू सैक्रिफाइसर एंट्री हुई, क्यों? इसमें तो होनी ही थी और इसमें इसलिए हुई क्योंकि उसने अपना रेशियो चेंज कर लिया था। तो ये जो है हमारी गुडविल की ट्रीटमेंट थी एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।